ये जो ड्रेस आप देख रहे हो ना, इसके बिगर अगर आप अफगानिस्तान में एक औरत हैं और अफगानिस्तान में बिगर इसके आप पाए गए तो आपके घुटने तोड़े जा सकते हैं। अगर आप इसके बिगर पाए गए तो आपको बीच चौराहे में मार मार के ख़त्म भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ ही कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पे अगर आपने ये पहना तो आपको जेल हो सकती है। तो एक देश ऐसा जहाँ पे अगर आपने ये नहीं पहना तो आपके घुटने तोड़े जा सकते हैं, और एक देश ऐसा जहाँ पे अगर आपने पहना तो ये कानूनी अपराध है और आपको जेल में भेजा जा सकता है। श्रीलंका ने हाल ही में बुर्का बैन किया था, उसके बारे में हम डिटेल रिसर्च करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ ही आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में क्या बुर्का बैन होना चाहिए। आखिरकार बुर्का लोग पहनते क्यों हैं? आपने अक्सर देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं राजस्थान में भी घूंघट लगाते हैं। तो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या ये मर्दों द्वारा लगाई गई पाबंदी है औरतों के ऊपर, या फिर इसका कोई रिलीजियस कनेक्शन है? फिर क्यों अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के रूल्स हैं? हमारे हिंदुस्तान में बुर्का क्यों पहनते हैं? बुर्का के साथ साथ ही हिंदुस्तान में बहुत सारा पर्दा प्रथा जो कि राजस्थान में बहुत प्रचलित है, उसका भी क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आज इसके बड़े वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान को भी बाकी कंट्रीज की तरह बुर्का बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम श्रीलंका से। तो श्रीलंका का रिसेंट प्रपोजल रिगार्डिंग द बैन ऑफ बुर्का हैज स्टार्टेड ए डिबेट एंड कंट्रोवर्सी अराउंड द वर्ल्ड। Let's now shift our focus to Sri Lanka, which will soon ban the burqa and shut more than 1,000 Islamic schools. The Minister for Public Security has said that he had signed a paper for cabinet approval to ban the full face covering worn by some women. The step has been taken on grounds of national security. Iska matlab kya hai? Government ne aisa kyun kiya? Iske effects kya honge? Kya India mein kabhi ho sakta hai? Let's find out. To sabse pehle aap chronology samjhiye. Oh! Hey! श्रीलंका में मुस्लिम्स की आबादी उनकी टोटल 21 मिलियन पॉपुलेशन में 10% से भी कम है। दे आर तमिल स्पीकिंग एंड आर मेनली एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। दिस बुर्का बैन कम्स अहेड ऑफ द ट्रबल सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ 2019 ईस्टर बॉम्बिंग्स। ईस्टर बॉम्बिंग्स और इस्लामिस्ट स्टेट के श्रीलंका में इन्वॉल्वमेंट के चलते गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद ही निकाब और सोशल मीडिया साइट्स को टेम्पररीली बैन कर दिया, लेकिन इसकी वजह से मुस्लिम के लिए नफरत बढ़ गई जो कि पहले से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में। चलो बात ये समझते हैं कि इस बुर्का बैन का रीजन क्या दिया गया। दैट इट इज ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड ए सिंबल ऑफ इंक्रीजिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म। इस बैन की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी फीलिंग इनसिक्योर। द टेररिस्ट ग्रुप्स लीडर अबू बकर अल बगदादी हैड क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक्स डे आफ्टर दे टुक प्लेस। तो ऐसे बैन की वजह से मुस्लिम वुमेन ने इसका प्रोटेस्ट किया एंड क्लेम दैट इट इज ए टू फोल्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन एंड अगेंस्ट अ वुमन। देयर इज नो कम्युनिटी एडिक्ट इन श्रीलंका डिमांडिंग दैट मुस्लिम वुमेन मस्ट वियर ए बुर्का। इन फैक्ट आधे से ज्यादा मुस्लिम वुमेन डोंट इवन वियर इट, बट फॉर दोज हु डू एज मैनी अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड इट इज ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और जस्ट मॉडेस्टी, हेंस इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। सब बात करते हैं कि यार ये आइडिया, हिजाब का आइडिया आया कैसे, मतलब किसने ये इन्वेंट किया कि भाई औरतें ऐसा पहनेंगे और मर्द खुले घूम सकते हैं, मतलब किसने ऐसा बोला। तो इस बात को समझने के लिए हमें 1400 इयर्स बैक जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा। कहानी है सऊदी अरेबिया मदीना की। जब भी रात में औरतें बाहर निकलती थी तो उनको हरेस किया जाता था बाई द मैन। तो वहां पे दो टाइप की औरतें हम कह सकते थे, औरतें जो कि रिच थी और औरतें जो कि गरीब थी। औरतें जो कि रिच थी वो एक पर्टिकुलर गारमेंट पहना करती थी और जिससे जो भी हरेस करने वाला इंसान है उसको पता लग जाता था कि भैया ये तो रिच है और इसके पीछे कोई आदमी होगा, कोई स्ट्रांग आदमी, पावरफुल आदमी होगा, तो दे वुड नॉट हरेस हर। लेकिन जो भी पुअर वुमेन्स थी वो मतलब कोई एक पर्टिकुलर गारमेंट्स नहीं पहनती थी तो उसकी वजह से उनको हरेस किया जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे प्रॉफिट के पास गए। प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट मैसेंजर होता है गॉड के बीच का। जो प्रॉफिट रहता है कि गॉड से बात करता है, जो भी कुरान उरान लिखी है उन्होंने प्रॉफिट्स नहीं लिखी है, जो कि गॉड प्रॉफिट से बात करता है स्पेशली। तो प्रॉफिट ने बोला भाई इस प्रॉब्लम को मैं लेके जाता हूँ गॉड के पास। तो गॉड के पास वो गए, बोले कि भैया प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, यहाँ पे तो लोग आदमी लोग हरेस कर रहे हैं। और इसके चक्कर में एक वर्स ऐड किया गया कुरान में जो कि इट रीड्स एज ओ प्रॉफिट आस्क योर वाइव्स डॉटर्स एंड बिलीविंग वुमेन टू ड्रॉ देयर क्लॉक्स ओवर द बॉडीज। In this way, it is more likely that they will be recognized as virtuous and not be harassed. And Allah is all forgiving, most merciful. तो आइडिया ये था कि अगर आप
सब औरतें सेम कपड़े पहनेंगी तो पता नहीं चलेगा हु बिलोंग्स टू विच कैटेगरी एंड एवरीवन वुड लुक द सेम। मेरे को लगता है यहाँ पे अल्लाह ना थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, मतलब अल्लाह ने बोला कि भाई तुम ढक लो, इन मर्दों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही देखेंगे, ये तो खराब ही हैं, ये तो हरेस करेंगे तुम्हें, अब तुम्हें बचना है इनसे। तो कुरान में कुछ उल्टा भी डाला जा सकता था ना, पर ठीक है अपने अपने धर्म अपनी अपनी बातें। लेकिन हिजाब एग्जैक्टली है क्या, पहना क्यों जाता है? द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब इज मोस्ट ऑफन एक्सप्रेस्ड इन वुमेन्स क्लोथिंग। हिजाब गारमेंट्स रेंज फ्रॉम सिंपल हेड स्कार्फ, मतलब जिसे खिमार कहते हैं, सिंपली हिजाब कहते हैं जो कि हेड स्कार्फ की तरह यूज होता है, टू हेड टू टो क्लोक्स, कि भैया सर से नीचे तक ढकना है, सच एज अबायस एंड बुरखास। तो बुरखा होता है कि भाई जैसे मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक ढक रखा है। Although हिजाब इस्लामिक ट्रेडिशन में अक्सर दिखता है, पर ये कुरान में इतने अच्छे से डिफाइन नहीं है। इट इज ऑफन ए पर्सनल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट, नॉट ए रिलीजियस वन। एक्सप्रेशन ऑफ हिजाब वेरीज विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। दीज वर्सेज ऑफ द कुरान ऑफर इनसाइट इन टू हिजाब एंड रेलिवेंट आइडिया अबाउट मॉडेस्टी, रिस्पेक्ट, प्राइवेसी एंड ह्यूमिलिटी। चैप्टर 24 वर्सेज 30 एंड 31, चैप्टर 33 वर्सेज 32 एंड 33, एंड चैप्टर 33 वर्सेज 53 एंड 54। वैसे तो हिजाब काफी फेमस है एंड वी हैव ऑल्सो सीन मैनी मुस्लिम वुमेन वेयरिंग इट इन इंडिया एज वेल, बट रिमेंबर हिजाब हैज ऑल्सो इवॉल्व इटसेल्फ इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। सम वुमेन वेयर इट बिकॉज दे स्ट्रांगली बिलीव इट इज देयर रिलीजियस ऑब्लिगेशन। इन एडिशन टू दैट दे बिलीव दैट इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हरेशमेंट और कैट कॉलिंग ऑन रोड्स एंड आउटसाइड। सम डू इट विलिंगली एंड आर्ग्यू इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, हाउएवर दे डू बिलीव दैट इट ब्रिंग्स वन क्लोजर टू गॉड। वैसे ये बिलीव भी अलग है, कास फुल कपड़े पहन के भगवान बोलता है ये लोंडा अच्छा है, ये फुल कवर करके रखता है, ये सही है, इस ये सही बंदी है, ये सही बंदा है, मतलब ये कवर करके रखता है, तो आई डोंट बिलीव इन दिस बिलीव ऑफ गॉड कि गॉड के पास जा सकते हो। हाँ मतलब तुम्हारी चॉइस हो सकती है कि भैया मेरे को ये पहनना है, कपड़े पहनो, नंगे घूमो, जो इच्छा करो, बट रिमेंबर इट इज ए स्पिरिचुअल थिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इनको प्रेशराइज नहीं किया जाता, क्योंकि हेलो पैट्रियार्की, सो वुमेन एडमिट टू बी प्रेशर्ड इनटू कवरिंग देमसेल्व्स, और ये ज्यादातर उनकी फैमिलीज या हस्बैंड करते हैं, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर दिस टू बी जस्ट ए कल्चरल प्रैक्टिस। बट अगेन सम वुमेन डू वेयर इट बाय चॉइस and we have to respect that. We can't always keep telling women what or what not to do. Same happens in my village also. I am from village area, जहाँ पे भूंगट लगाई जाती है, हम राजस्थान से हूँ, और वहाँ पे औरतें ही force करती हैं भूंगट लगाने के लिए। I have seen people कि नहीं ये औरत ही बोलेगी यार यार ये लड़की तो ऐसा है घूंघट नहीं लगाती, घूंघट तो बहुत important है, कैसे नहीं हो सकता, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि वो इज्जत का जो सवाल है ना वो बहुत पहले से उनके दिमाग में घुसा दिया गया है। आज उनको लगता है कि ये मतलब इसके बिगैर हम कैसे रहेंगे, एंड सेम थिंग आई बिलीव, तो मेरा ओपिनियन है ऐसा ही इसमें हुआ कि लोगों को पहले क्या लगा कि यार प्रॉफिट ने सॉल्यूशन दे दिया कि भैया ये करो ढक दो, बहुत सही है ढक दो। नाउ बैक होम टू सम वॉइसेस आर्ग्यूइंग फॉर सिमिलर बैन, citing security concerns. Shivsena has demanded a ban on burqa in India. Ruling party in Maharashtra. पूरे वर्ल्ड में ऐसे काफी सारे कंट्रीज हैं जहां या तो बुरखा या फिर फुल फेस वील्स बैंड है। इनफैक्ट इंडिया में ही केरला मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, जिसके अंडर कुछ 150 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उन्होंने भी ऐसे कपड़ों को बैन कर रखा है जिसमें फेस कवर्ड हो, जैसे कि बुरखा। तो मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। पर क्या इंडिया में सच में बुरखा कभी बैन हो सकता है? इंडिया की सिचुएशन थोड़ी अलग है, बट वाई? सी बुरखा इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ फुल फेस वील प्रैक्टिस हियर। Not only certain members of minority community wear full face veils, sections of the majority community also practice parda or wear a ghungat, jaise ki in a state like Haryana, Rajasthan. And it is important to note that there is no law that ban or criminalize a full face veil, jo ki minority or majority dono hi communities mein ek cultural practice hai aur famous bhi hai. बल्कि इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जहां किसी को भी कुछ पहनने के लिए फोर्स किया जाए या रोका जाए। इन फैक्ट वी कांट इमेजिन सच ए लॉ बीइंग मेड इन कंट्री लाइक इंडिया। हाँ कुछ रिलीजियस जगहों पर जैसे कि गुरुद्वारा
या मॉस्क्यू, वहां एक ड्रेस कोड इन्फोर्स किया जाता है, पर वो उन रिलीजियस प्लेसेस का डिसीजन है, ना कि कोई लॉ इन्फोर्स बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से ही ऐसा कोई भी लॉ बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बचपन में ही सीख लिया था हमने दैट द इंडिया इज मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस कंट्री एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ए सेकुलर वन। तो बुरखा बैन तो हो नहीं सकता इंडिया में। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेकिन जैसे कि शिवसेना ये पॉइंट उठाती है कि बुरखा बैन करना चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है, पर नेशनल सिक्योरिटी से और बुरखा का कोई रिलेशन नहीं पाया गया। इवन इन श्रीलंका जहाँ पे बोला गया कि नेशनल थ्रेट है, जो भी बॉम्ब अटैकर्स थे और वो उन्होंने बुरखा नहीं पहन रखा था। तो कुल मिला के बात है कि बुरखे का और नेशनल सिक्योरिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस बेसिस पे भी इसको बैन नहीं किया जा सकता। ऐसे सडनली कोई भी लॉ ले आना जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, बल्कि सिर्फ हेटर्ड बढ़ेगा और इनसिक्योरिटी भी। हर रिलीजन में ही कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत तो है, पर ये जेन्युइनली बेनिफिशियल्स होने चाहिए, ना कि पॉपुलिस्ट, तभी वो चेंज आएगा जो हम देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही सोशल इश्यूज के बारे में बात करते रहेंगे, और अगर आपको ऐसा कोई चीज बोदर करती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वर्क करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है casual.monks। प्लीज बाय बाय, टाटा, हास्ता ला विस्ता, एंजॉय।